क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे ना, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिटेल में सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर या फिर प्ले लिस्ट पर जाके भी चेक कर सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर का रखें, मिल जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इज़ नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में ये तो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, ठीक। सो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है गिवन, ठीक है। गिवन फंक्शन हमें क्या है, जो हमें गिवन फंक्शन है वो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1। सो हमें इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो उसके लिए हमें एक बार डेरिवेटिव करना ही होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। बेसिक डिफ्रेंशिएशन ये तो पता ही होगा नॉर्मल, सो 2x माइनस 1 ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है कि एफ डैश एक्स को हमें क्या रखना होता है, 0 के इक्वल। सो यहाँ से 2x माइनस 1 हमारा क्या जाएगा, 0 के इक्वल। सो 2x इधर आके 1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 1/2। अब आपके पास क्या होगा, आपको इंटरवल जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में जो इंटरवल गिवन है वो है -1 से 1, है ना। और आपको एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गया, 1/2, ठीक है। एक क्या मिल गया, 1/2। सो देखिए क्या होगा, इनके बीच में बात करनी है आपको। सो अगर नंबर लाइन पे बात करूँ तो x के प्लेस पे वैल्यू मिली मेरे को 1/2, और एक x मेरे पास है क्वेश्चन में 1 और एक x क्वेश्चन में मेरे पास है -1, ठीक है। इन्हीं के बीच में ही बात करनी है आपको। सो जो इंटरवल आपको मिलेगा पहला वो मिलेगा, इंटरवल ऑलवेज हमें ओपन इंटरवल में लेना होता है -1 से 1/2, एंड दूसरा मेरे को मिलेगा 1/2 से 1। इन दो इंटरवल्स पे हमें बात करनी है, एफ डैश एक्स में ही चेक किया जाता है इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ देखो गर्मी बहुत है गाइस, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो पसीना कहीं पर अगर गिर जाए तो उसके लिए सॉरी। तो देखो नाउ एट इस इंटरवल पे हम चेक कर रहे हैं, आपको मैंने बताया है कि ये जो होते हैं ओपन इंटरवल है ना, तो इन पॉइंट्स को नहीं लेना, इनके बीच की वैल्यू कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और उसको एफ डैश एक्स में रख के चेक करो क्या पर ये चीज़ है, सॉरी सिर्फ -1 है ना। सो इनके बीच में एक्स, इनके बीच में कोई से भी एक वैल्यू सोच लो, ठीक है। इनके -1 और 1/2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू सोच लो, 0 आएगी 0। देखो -1 और हाफ के बीच में 0 आएगी, तो 0 अगर हम रखते हैं तो यहाँ से देखो 2 × 0 - 1 यानी कि -1। सो ये क्या रहा है, नेगेटिव। हर एक पॉइंट के लिए आपको बात करनी है ना। सो मैंने एक पॉइंट चेक कर लिया तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मेरे को क्या मिला, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको लिखना होगा सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट
दिस इंटरवल, इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इस इंटरवल पे भी बात करना, देखना इस पे इंक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है, एट फंक्शन पे आ जाओ, ये मेरा फंक्शन है, कोई सी भी एक्स की एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, कोई सी भी जो इनके बीच में आती हो, ये नहीं से देखना, इनके बीच में एक वैल्यू देखनी है, हाफ और वन के बीच में, सो वन बाई थ्री ले लो, ये इनके बीच में आ जाता है, सो टू इंटू वन बाई थ्री, टू बाई थ्री माइनस के वन, सॉरी वन बाई थ्री है ना, वन बाई थ्री, सो देखो हाफ और वन है, ये मेरा हाफ है, हाफ का मतलब 0.5, और ये मेरा वन। ठीक है, तो 0.3 तो इधर आ गया ना, सो ये थोड़ी ना आता है इसके बीच में, गलत कर रहा हूँ, इनके बीच में एक सेलेक्ट करना, कोई से भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, हाँ ये 0.5 है तो यहाँ पर तुम 0.75 ले लो, है ना, सोचने के लिए, तो 2 × 0.75 ले लो माइनस के वन, सो ये देखो क्या आ जाएगा, 75 1.5 - 1 तो 0.5 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, हर बार पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग आ रहा है, इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो टोटल ना तो टोटल की अगर बात करेंगे तो ना तो स्ट्रिक्टली हो रहा है, एक ही चीज़ आनी चाहिए थी टोटल में, दोनों के दोनों या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने चाहिए थे या फिर डिक्रीजिंग, अब दोनों आ जा रहा है, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है ना, ना ना वो इस इधर का रहा ना उधर का रहा, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस एट टोटल इंटरवल में बात कर रहे हैं ना, माइनस वन टू वन, फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन, हमें बताना है कि इन इंटरवल में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो रूल तो भाई सेम है, फंक्शन भले ही अलग हो सकते हैं, हमारा रूल तो सेम है ना। सो ये चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, चारों पार्ट पे हमें चेक करना है एक एक करके। सो देखो 12 क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, पहले ए पार्ट पे आ जाते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉश एक्स। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, तो कॉश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। इंटरवल क्या है, देखो इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है 0 से π/2। सो 0 से π/2 अगर साइन एक्स की बात करो तो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट 0 to π/2 एफ डैश एक्स, नेगेटिव तो लगा ही हुआ है इधर प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव। नेगेटिव होने पर क्या होता है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सिंपल, मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझा दिया है। तो यानी कि ये जो फंक्शन ए है वो इस इंटरवल पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इसी की बात ही करनी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो पहला तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आ जाओ दूसरे, अगर कॉस एक्स अगर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो कॉस 2x भी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि नहीं भाई, इट डजेंट मैटर कि एंगल में क्या लगा रहे हो आप, कॉस फंक्शन है तो उस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ही होगा, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 2x और 2x का 2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 2 साइन 2x, और साइन 2x एंगल में कोई भी हो इट डजेंट मैटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू
थीटा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव ही होती हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? देखो नेगेटिव टू क्या होता है आपका, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, है ना, एफ डैश एक्स। सो देखो ये क्या आ गया आपके पास, ठीक है, ये देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ज़ीरो से पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव, तो ये टोटल क्या आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आने की वजह से ये क्या हो जाएगा फिर से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, सी पे, फंक्शन एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस थ्री एक्स, फिर से वही चीज़ है, ठीक है ना, तो एफ डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के थ्री साइन थ्री एक्स। सो उसी लॉजिक से, ठीक है, इसकी वैल्यू तो देखो पॉजिटिव होने वाली है, सो नेगेटिव थ्री पे है पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी पॉजिटिव, कहाँ पर, इस इंटरवल में। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव लेस देन ज़ीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो ए बी सी हमारे तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब डी वाले पार्ट की बात करो, टेन एक्स, टेन एक्स यहाँ फंक्शन हमारे पास है टेन एक्स, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, शेक स्क्वायर एक्स, शेक एक्स, ये ऊपर लग गया स्क्वायर, और इंटरवल शेक की बात करनी है ज़ीरो से पाई बाई टू पर सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या है, एफ डैश एक्स की बात करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू तो हो गया और स्क्वायर है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस इन द क्वाड्रेंट ज़ीरो टू पाई बाई टू द वैल्यू ऑफ शेक एक्स इज पॉजिटिव, देयर फॉर एफ डैश एक्स, तो ऐसे लिखोगे प्रॉपर, एट ज़ीरो से पाई बाई टू एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, तो जैसे क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको पता करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहे हैं ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन, ये जो फंक्शन है किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पे होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो गिवन फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस की 1। सो रूल वही, एक बार डेरिवेटिव करो तो ये 100 एक्स टू पावर 99, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉश एक्स, और 1 का 0 उसे मत लिखो। इंटरवल हमें गिवन ही है, पहले वाले पे चेक करेंगे, पहला वाला इंटरवल क्या है 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 के लिए चेक करना है, ठीक, 0 to 1 की बात करेंगे एक्स के प्लेस पे। देखो यहाँ ना तो 0 लेना है ना ही 1 लेना है, ठीक है, इंटरवल में ना तो 0 है ना ही 1 है, इनके बीच की कोई भी एक वैल्यू ले लो, और कॉश एक्स की वैल्यू देखो 0 to 1 के लिए बात हो रही है ना, तो कोई सी भी वैल्यू अगर रखोगे आप यहाँ पर तो ज़्यादा से बड़ी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 1, अगर एट मोस्ट पे भी ले लो तुम, क्योंकि 1 तो है नहीं इसके पास, कॉश एक्स की अगर सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू रखोगे तो भी 1, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, प्लस का है, दिख रहा है ना आपको प्लस, तो अगर एक्स की वैल्यू अगर 0.5 भी रखोगे यहाँ पर और उसको 99 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, आएगी कि नहीं सोचना है आपको। सो एट 0 to 1 एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा,
पता चल गया आपको? ठीक, सो थोड़ा सा अगर आपको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है तो एट 0 to 1 आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 100x की पावर 99 इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, इट्स इम्प्लाइज, ऐसे लिख देना, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब आ जाओ बी पर। अरे चुप करो, दूसरे इंटरवल पे चेक करते हैं आप क्या है, π/2 से पाई है। ठीक है, सो π/2 से पाई की अगर बात की जाए, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओनली कॉश एक्स है कि नहीं, ओनली क्या है, कॉश एक्स है। ठीक, तो कॉश एक्स की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव होती है। सो अगर देखें एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये जो वैल्यू है 100x^99, ये जो वैल्यू है वो क्या है, सिंस 100x^99 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है एंड कॉश एक्स मेरा जो है यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, लेस देन 0 है। और अगर पर्टिकुलर को बात करूँ इनकी और इनकी, सो ये वैल्यू और ये वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इस पर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, सो अगर बात की जाए, अगर इन मैं लॉजिक कैसे लगा पा रहा हूँ, π/2 और पाई को चेंज कर दो, ठीक है, अंक की वैल्यू में, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, इस हिसाब से मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है इससे। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल में भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सी की बात करूँ, नेक्स्ट ऑप्शन 0 से π/2, तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, सो जो मेरा एफ डैश एक्स रहेगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कॉश एक्स भी पॉजिटिव क्वांटिटी होता है फर्स्ट में, सो ये चीज़ मेरे पास टोटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एफ डैश में रखना होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो तीनों के तीनों में क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हमसे पूछ रहा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कोई इंटरवल है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमसे बोला है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 14, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स, ये जो हमारे पास है x² + ax + 1, एक बार डेरिवेटिव करो 2x + a हो जाएगा, है ना, डेरिवेटिव तो बेसिक्स है वो आपको आना ही चाहिए। देखो फिर क्या है, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बोला है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक, और हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, सिंस जो हमारा एक्स है वो लाई कर रहा है 2 और 1 के बीच में, क्योंकि इंटरवल हमारा 1.2 दे रखा है। अब हमारा एफ डैश एक्स क्या है, 2x + a आया है, अब आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, 2x है, x तो ऑलरेडी है यहाँ पर, 2x बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 हो जाएगा, फिर a दोनों तरफ ऐड करना है, यहाँ a है ना, तो नेक्स्ट में क्या करूँगा, a ऐड करूँगा। ठीक है,
इसकी लीस्ट वैल्यू बोलिए, इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है ताकि ये फंक्शन आपका क्या हो जाए, इंक्रीजिंग लीस्ट। इसकी ये इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब 2+a की वैल्यू, ये लीस्ट है, ये ग्रेटर है, तो हमें ये लेना है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए 2+a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे लिख दोगे फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, 2+a की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यही होनी चाहिए। सो ए प्लस का टू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू। सो जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस टू से बड़ी होगी, तभी वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू, तो ए की जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू। आंसर ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहे लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, हमें फंक्शन ये दे रखा है वो बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, मतलब ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, x+1/x, और इंटरवल हमें क्या दे रखा है, -1, 1। ठीक है, हमें इस इंटरवल में इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, शो करके दिखाना है। ये हमारे पास फंक्शन है, अब हमें क्या करना होता है, एक बार डेरिवेटिव f'x, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव होता है -(-1/x²)। ठीक, डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, ये आ गया हमारे पास f'x। अब इसको अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो f'x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब चेक करो -1 to 1 पर, ठीक है, -1 to 1 पर ना तो सेट के पास 1 है माइनस का, ना ही प्लस का 1 है, तो कुछ भी एक वैल्यू ले लो, इनके बीच की एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो, हाफ, चेक करने के लिए हाफ ले लो, इनके बीच में लाई करेगा हाफ, 1/2। सो अगर मैं 1/2 रखता हूँ चेक करने के लिए ना, सो देखो क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में 1/2 ज़रूर आता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ओके, अब आप बोलोगे सर हमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो आप तो डिक्रीजिंग दिखा रहे हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो भाई। ये देखो, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, मतलब जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, इस इंटरवल को छोड़कर आपको क्या देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन देगा, इस इंटरवल पे नहीं देगा, ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर मतलब। तो देखो, मैंने अगर आपको अगर इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए ना, अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी पड़ेगी, 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू ये जो -1 है ना, उससे छोटी लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो पाएगा। ठीक है, ये पता चल गया, इट इज़ क्लियर, ऐसे लिखोगे, इससे पता चल गया, इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट -1 to 1। फॉर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख देना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वी हैव टू टेक
या वी मस्ट टेक, ऐसे लिख देना, वी मस्ट टेक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन और एक्स की वैल्यू ये, ठीक है, तभी जाके ये फंक्शन, देन वी गेट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और देन वी गेट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बस समझ में आपको कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, कि उस इंटरवल के अलावा बाकी सब पे आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। शर्त यह है कि आप एक्स, आपको एक्स की वैल्यू मोर देन वन लेनी पड़ेगी और लेस देन माइनस की वन लेनी पड़ेगी, तभी जाके ये होगा। यही आपको शो करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम माइनस वन टू वन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन वाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है, ये हमने आराम से कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन जो लॉग साइन एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर। बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है ये एकदम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 16 है। 16 और 17 बिल्कुल सेम तरीके से हुआ। सो जो गिवन फंक्शन है हमारे पास वो है लॉग साइन एक्स, और हमारे जो इंटरवल है, इंटरवल हमें दे रखा है 0 से पाई बाई टू, ठीक है, और इस इंटरवल में हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो लॉजिक तो वही है, एक बार डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/sin x, और साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो कॉश एक्स, तो ये क्या आ गया कॉट एक्स, ठीक। कॉट एक्स की बात कर रहे हैं और इंटरवल हमारे पास क्या है 16, 0 से पाई में, 0 से पाई बाई टू में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है और पाई बाई टू से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। देखो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, इधर लिखता हूँ मैं एट 0 से पाई बाई टू। देखो 0 से पाई बाई टू यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो आप लिखोगे एट 0 टू पाई बाई टू एफ डैश एक्स यानी कि कॉट एक्स क्या होता है ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर आ जाओ एट पाई बाई टू से पाई, ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा इंटरवल है। पाई बाई टू से पाई में देखो कॉट एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स यानी कि कॉट एक्स क्या होगा लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ईजिली हो गया। सेम तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा बिल्कुल सेम। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बस यहाँ पर मॉडुलस लगाया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चकमा देने के लिए यहाँ पर बस मॉडुलस लगा दिया है। अब की बार हमें क्या करना है कि बताना है कि इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट्स इट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जो गिवन फंक्शन हमें एफ एक्स दे रखा है वो क्या है लॉग मॉडुलस के कॉश एक्स है, तो मॉडुलस का मतलब होता है प्लस में ही लिखा जाना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग कॉश एक्स। एक बार डेरिवेटिव करो, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x और कॉश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स। एक बार इसका होगा फिर इसका होगा, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के टेन एक्स। तो ये हमारे पास है आपकी बात, टेन एक्स तो है, साथ ही साथ उसके सामने क्या लगा पड़ा है माइनस। पहले वाले पे आ जाते हैं, कौन से इंटरवल पे 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू यानी कि फर्स्ट
फर्स्ट में होता है ऑल पॉजिटिव। सो देखो एफ डैश एक्स माइनस और टेन एक्स क्या होता है पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो सिंस एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया लेस देन ज़ीरो नेगेटिव, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, आराम से हो गया। अब आ जाओ एट ज़ीरो से नहीं, दूसरा जो इंटरवल हमारे पास क्या है पाई बाय टू से पाई, पाई बाय टू से पाई यानी कि सेकेंड इंटरवल, और सेकेंड में टेन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ठीक। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव तो ऑलरेडी है और टेन एक्स की वैल्यू भी सेकेंड क्वार्टर में नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव आ गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कैन यू प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, आर मतलब रियल नंबर के अंदर, ये पूरे रियल नंबर के अंदर ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन मार्क्स में आ सकता है या टू मार्क्स में। तो फंक्शन हमें क्या दे रखा है एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स माइनस के 100। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर हमें बताना है किसी भी फंक्शन को तो बस हमें बस इतना दिखा देना है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यानी कि पॉजिटिव आएगा। तो देखो एक बार डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा सिक्स एक्स और यहाँ से हो जाएगा प्लस के थ्री, थ्री आप ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर तीन दूनी सिक्स एक्स प्लस के वन थ्री, ये क्या है ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, थ्री क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, एक एक्स हमें कहाँ से लेना आर से लेना है, कुछ भी एक्स लो दुनिया का कोई भी एक मेंबर ले लो एक्स, वन माइनस वन टू थ्री वन बाई टू रूट थ्री कुछ भी ले लो, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी है पॉजिटिव, कुछ भी रखोगे स्क्वायर करने पे वो क्या दे देगा पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। सो एफ डैश एक्स क्या जाएगा पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी एक्स ले लो आप दुनिया का कोई भी एक्स ले लो आर से, सो वो ऑलवेज आपको क्या देगा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही देती है हमें। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया था इस बार बोर्ड एग्जाम में। कह रहे द इंटरवल इज इन विच, हमें फंक्शन दे रखा है वाई के फॉर्म में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर x इज इंक्रीजिंग, कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। चलिए करते हैं, y हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस x, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक बार डेरिवेटिव करना है ना y डैश, तो कौन सा रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव तो करना ही एक बार। सो क्या रूल होता है, पहला वैसे का वैसे इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया हमने एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के वन मिल जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो कॉमन क्या है e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा देखो, और x भी कॉमन है दोनों में से, तो
तो यहाँ से बचेगा x, सॉरी ओनली 2, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा माइनस की x। ठीक है, ये मेरा एक बार डेरिवेटिव करने पे मिला। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन या फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसे लिख देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो एफ वाई डैश की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। ठीक है, अब आपको पता है ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे ए की पावर प्लस का एक्स हो या माइनस का एक्स हो, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो इसको हम ज़ीरो नहीं ले सकते, इसका काम ख़त्म, या तो ये ज़ीरो होगा अब या फिर ये ज़ीरो होगा, है ना। इफ़ एक्स ज़ीरो तो बस यही कंडीशन ही आएगी, और इफ़ टू माइनस एक्स ज़ीरो सो माइनस के एक्स उधर रखे क्या हो जाएगा ये चीज़, तो ये बना हमारे पास दो चीज़ें आई हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है और दो से क्या है ये छी है, ठीक है, दो से छोटी एक्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका इंटरवल। इस इंटरवल पे ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो अगर ऑप्शन पे देखा जाए तो ऑप्शन पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा, 0.2। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज आराम से कर ली है, बाकी चैप्टर बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।